फर्स्ट लाइफ और मैं हूँ संगीता। अभी बज रहा है 6:30, बाहर एकदम अंधेरा हो चुका है। मैंने सांझ बाती ये सब करने के बाद मैं अभी बनाई हूँ ब्लैक टी। मैं अभी ब्लैक टी बैठ के पी रही हूँ और अभी थोड़ा सा ब्लैक टी, मैं ऐसे चाय पीती नहीं हूँ, मैं मतलब चाय लवर नहीं हूँ, टी लवर नहीं हूँ, तो मैं लेकिन कभी कभार मैं पी लेती हूँ, जैसे कभी मन किया कुछ किया तो मैं पी लेती हूँ। तो आज तो ठंडा तो ऐसे भी है ही, तो मैंने सोचा थोड़ा सा ब्लैक टी पी लेती हूँ, जिंजर वाली, मतलब अदरक डाल के। और मैंने आज ब्लैक टी बनाया, तो आज मैं अभी ब्लैक टी पी रही हूँ। और मेरे हस्बैंड अभी ऑफिस से आए नहीं है, अभी 6:30 बज रहा है। मेरे हस्बैंड आते हैं 6:45, 7:45, कभी 9 बजे तक ऐसे ही आते हैं, मतलब 7:30 बजे की बात ही वो आते हैं। तो अभी मैं, पता है न्यू ईयर में फर्स्ट मैं क्या लेने जाऊंगी, फर्स्ट मैं लेने जाऊंगी मेरा घर में किराना वाला सामान के अंदर। ऐसे तो मेरा न्यू ईयर में फर्स्ट आ गया, मेरे घर में अखरोट आया, देखे दिखाए थे ना, वालनट आया, लेकिन अभी मैं, मेरा जो किराना वाला सामान में मेरा घर में ख़त्म हो गया आटा। मैं जाऊंगी अभी आटा लाने के लिए, बाहर ठंडा है, बल्कि मैं थोड़ा सा हुडी पहन ली हूँ। अभी मुझे जाना है आटा लाने के लिए। तो फर्स्ट मैं न्यू ईयर 2021 में फर्स्ट मेरा खरीदारी होगा आटा, क्योंकि मेरा आटा घर में ख़त्म हो गया, इसीलिए। जैसे मैं चाय पी लेती हूँ, ठंड में जिंजर वाली चाय कितना अच्छी लगती है ना, मुझे भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इसमें मैंने हनी डाल के पी रही हूँ, इसमें अगर गुड़ डालते ना और ज़्यादा टेस्टी लगता। गुड़ मुझे अच्छा भी लगता है, लेकिन गुड़ डालने से मेरे को गुड़ की कमी लग रहा है, थोड़ा सा गुड़ डालते तो ज़्यादा अच्छा लगता है। इंडक्शन इसी में रखे रहती हूँ और फिर ऊपर मैं रख देती हूँ, जब जरूरत पड़ता है ना ऊपर से लाती हूँ, क्योंकि किचन छोटा तो नहीं है बट रखने का जगह नहीं है, मतलब नॉन मॉड्यूलर किचन है ना, तो नॉन मॉड्यूलर किचन में बस सामान रखने का प्रॉब्लम होता है। तो यही रखने का प्रॉब्लम है, बल्कि ऊपर है सनसेट टाइप का बना हुआ है, तो ऊपर मैं रख देती हूँ ये, और ये भी रखना है, और ये देखिए जो हांडी है, हंडी, इसमें मैं चावल बनाती हूँ, इसमें 4-5 लोगों का बन जाता है आराम से। तो इस हंडी में भी, इस हंडी को भी ऊपर रख दूंगी, तो क्या नीचे का ना जगह काफी बड़ा बच जाएगा, लेकिन नीचे का जगह एंगेज हो जाता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होता है बस। और मैं कल लाई हूँ थोड़ा सा खजूर लेके आई हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत कभी कभार खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है खजूर खाना, ऐसे भी थोड़ा सा खजूर वगैरह लाई हूँ, बस यही सब चल रहा है। और सबको ऊपर मैं रख देती हूँ अभी। देखिए ये क्या है, ये है गन्ना। तो गन्ना ना कल मेरा इन-लॉज के घर से लेके आए हैं, मेरे हस्बैंड गए थे कल रांची, तो इन-लॉज के घर से ये लेके आए हैं, और आज मैं इसको काटूंगी। एक गमला में ना वो क्या था, लेमन ग्रास था। ये लेमन ग्रास ना अचानक मर गया है, काफ़ी पुराना भी हो गया था, 2 साल हो गया था। तो ये गमला मेरा अभी खाली है। तो इसमें जो स्वीट पम्पकिन आता है, स्वीट पम्पकिन का बीजा भी मैंने इसमें डाल के रखी हूँ। और जो मेरा जो शुगर केन था ना, शुगर केन का जो उसका जो जॉइंट होता है, जॉइंट से ना उसका छोटा छोटा पेड़ निकाला था। तो मैंने ना उस जॉइंट को काट लिया है। देखिए छोटा सा पेड़ दिख रहा होगा आपको, उसका जो निकलता है ना पत्ता वगैरह, वो निकल रहा था। तो मैंने 3 ऐसे काट लिया जॉइंट को, और 3 काट के ना इसी में मैं लगा दे रही हूँ। मैं इसको जस्ट एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ, होता है क्या नहीं मैं देखती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे लगा रही हूँ जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए। तो 3 रूट्स मैंने ऐसे काट लिया है, तो जॉइंट जो है और काट के इस गमले में लगा दे रही हूँ। और इसमें स्वीट पम्पकिन का भी सीड्स है, देखती हूँ कौन पहले निकलता है, किससे मतलब बोलते हैं ना, किससे सबसे ज़्यादा दम है, किसमें सबसे ज़्यादा दम है, ये देखेंगे। तो यहीं पे मैं मेरा ब्लॉग को ख़त्म करती हूँ। आई होप गाइज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। हम फिर मिलते हैं और एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा।